जेएमसी बारामुल्ला में महकमा गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स ने अल्बर्ट डेविड के साथ मिलकर एक रोजा सीएमई प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मौजू रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज था, जहां काफ़ी तादाद में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और कई दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर इस मुतलिक बेदार करके जानकारी फराहम की गई, ताकि बेहतर से बेहतर इलाज हम अपने खातिनों हजरात को दे सकें। है हमारा एम ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ भी इनिशिएट हो जाएं एकेडमिक एक्टिविटीज़, ताकि हम जैसे पहले जाना जाता था कि फील्ड में सिर्फ काम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये एकेडमिक्स की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारा ये इनिशिएटिव है दैट इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन मूव ऑन और हम कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की ज़्यादा अच्छे से खिदमत कर सकें, उनका ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज कर सकें। हम सब मिल के बैठे हैं, अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो हमारे जो नए डिस्कशंस हैं, नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं इन कंडीशंस के लिए, इनका फ़ायदा हमारे आम आवाम को पहुंचे। हमने आज ये दो टॉपिक्स चुने हैं, RPL दैट इज़ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड दूसरा PID जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जो RPL है उसका ये मतलब है जो कपल्स होते हैं जिनको बार बार अबॉर्शंस होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी टर्म तक नहीं पहुंचती है उनके, क्योंकि ये एक जो डिजीज़ है हमारे सब के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम जानते हैं, हम देखते हैं, इसमें डॉक्टर भी डिस्ट्रेस में होता है और पेशेंट्स, वो कपल्स बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं हु आर नॉट एबल टू अचीव सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सो हमें लगा कि ये जो पेशेंट्स हैं इनके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, इनको एक दिशा, एक राह दिखाने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है। इसीलिए हमने, क्योंकि हमने चाहा कि हम इस के ऐसे जो केसेस हैं इनको डिस्कस करें कि हम इनके लिए आसान कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस, सो दैट इनको बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस ना कर सकें, तो जो ज़रूरत है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। दूसरा है PID। PID होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और आजकल की दुनिया में ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी। एज ऑल ऑफ अस नो कि इनफर्टिलिटी ऑलरेडी इट्स ऑन द राइज, सो PID इस चीज़ का एक इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसको हम पहले से ही कंट्रोल में ला सकते हैं, जो हमें अपने मैसेज को समझाना है, बताना है। सो दीज आर द वेरी टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे। हमने मुनाकिद किया अबाउट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। इसका मतलब और मकसद ये है कि नए डॉक्टरों को अवेयर करना, सेंसिटाइज करना, उनको पता चले कि ये डिजीज़ होती क्या है, ताकि ये आगे जाके जब डॉक्टर बनेंगे, फील्ड में काम करेंगे, ये लोगों तक। औरतों में ज़्यादातर बीमारियां पाई जाती हैं, मसलन कि उनको जब हमला होती हैं उनको बच्चा गिर जाता है, दो बार, तीन बार या तीन बार से ज़्यादा बच्चा गिर जाता है, उसके बारे में हम कैसे इसका तदारुक करा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं ताकि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस ना हो। और दूसरा आम मसला है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो कि औरतों को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत सताती हैं, इसके बारे में हम नए डॉक्टरों को या लोगों को जो या ऑडियंस हैं उनको अवेयर करें, ताकि ये मैसेज आगे तक पहुँचाएं। अनंतनाग में किडनी के मरीजों के लिए